भागम भाग भागम भाग, ऋषि को करनी पड़ रही है खूब भागम भाग। उनके रास्ते में चाहे कोई भी आए, उनकी नजर तो आज बस पवन को ढूंढती जा रही है। जी हाँ, तनु नहीं बल्कि पवन के पीछे पीछे भाग रहे हैं ऋषि। क्या यूँ कह लीजिए कि पवन की जासूस बने घूम रहे हैं ऋषि। शादी का माहौल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशंस आ रही हैं। जिससे सगाई हुई है तन्वी की, वो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा है, क्योंकि उसका कुछ जो है मामला थोड़ा जो है वो डामाडोल है। ऐसा लग रहा है कि उसका कुछ पास्ट में कोई अफेयर था, तो बस हम उस टॉपिक को यूज़ करेंगे। उसको यूज़ करके जो है हम लोग कहीं ना कहीं देखते हैं किसी तरह अगर वो पकड़ा जाएगा और तन्वी शादी जो है वो कैंसिल हो जाएगी, तो मुझे बहुत खुशी होगी, ताकि फिर मैं उससे शादी कर पाऊँगा। तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम वो अफेयर पकड़ें, और डेफिनेटली लेट्स होप कि हम वो क्रैक कर पाएँ। हो तो ये बात है, वैसे पवन को देखकर भी यही लग रहा है कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। लेकिन अगर बात करें ऋषि की, तो बेचारे ऋषि को प्यार में क्या क्या नहीं सहना पड़ रहा है। कभी तनु को अपनी आंखों के सामने दूसरे की दुल्हन बनते देख रहे हैं, तो कभी यू अपने ही घर में चोरी छुपे पवन की जासूसी कर रहे हैं। अब तक तो आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशंस है, वेरी कॉमिकल, वेरी ह्यूमरस फॉर द व्यूअर्स आल्सो। आई थिंक दे रियली एंजॉय, बिकॉज पूरी शादी का माहौल चल रहा है, उसके बीच में मैं और मेरा छोटा भाई जो है वो जासूसी कर रहे हैं, भाग रहे हैं, विंडो से कूद रहे हैं, कभी बिस्तर पर जा रहे हैं, कारपेट के नीचे जा रहे हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी डिफरेंट, यू नो द एंटायर पूरा जो सीन है बहुत ही फनी है, और एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है। तो आई थिंक इट्स नाइस, मुझे बहुत मजा आ रहा है। वेल, टीवी शो कसम के इस आने वाले ट्रैक ने बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ ले लिया है। अब देखना ये है कि क्या पवन की सच्चाई का पता लगाने में ऋषि कामयाब हो पाएंगे या नहीं। क्या तनु और ऋषि एक हो पाएंगे, ये सब हम आपको बताएंगे। बस यू ही बना रहिए हमारे साथ, और तब तक के लिए अपने लाइक्स एंड कमेंट्स के थ्रू बताइए कि आपको ऋषि बाबू का यह डिटेक्टिव वाला अंदाज कैसा लगा।